हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। आज अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है विरोधी शब्द, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों पहले बता दें आपको कि विरोधी शब्द की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशंस ऑफ अपोजिट वर्ड्स, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ मीनिंग अपोज द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड इन विच केस द टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब होता है जो विरोधी शब्द हो, एक जो शब्द है उसके जो विरुद्ध में बोला गया, ठीक। ये होता ट्रांसलेशन जो है अपोजिट वर्ड्स के, इसका अर्थ भी बता दें आपको कि अपोजिट विपरीत होता है या इनवर्स कहना चाहिए उल्टा होता है, अपोजिट है और अगेंस्ट होता है, इस तरीके के जो शब्द हैं। तो आइए इन शब्दों का जो है फिर से अध्ययन करें। पहला शब्द आता है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित होना, डेड यानी मृत्यु। ऑल मतलब होता है, ऑल मतलब सारा, नन मतलब कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका क्या विरोधी बोलेंगे, ठीक है। अब ऑल ओवर, फिर ऑलरेडी, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा मतलब क्या होता है, नेवर मतलब कभी नहीं। अपोजिट हुआ एंशिएंट, एंशिएंट यानी प्राचीन होता है, मॉडर्न मतलब अभी का, ठीक। फिर है एन्यूम्स, इसी प्रकार एंजल यानी डेवी, एनिमल यानी जानवर, ह्यूमन यानी मानव। फिर आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना, आस्क मतलब कहना। आंसर का अपोजिट क्वेश्चन भी होता है। एंटोनिम्स का मतलब सिनोनिम्स यानी विरोधी का अपोजिट समानार्थी, ठीक। अपार्ट, टुगेदर, अरेस्ट, फ्री, अराइवल, डिपार्चर। अराइवल यानी आना, डिपार्चर यानी जाना, तो उसका विरोधी हुआ अराइव। फिर है आर्टिफिशियल, नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो है वो अभी का, सिंथेटिक होता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है, ठीक। उसका आस्क, आंसर, ठीक। नेक्स्ट एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या था, खाली। खाली का अपोजिट क्या होगा, फुल। एंड यानी खत्म, बिगिन मतलब शुरू होना, एंड बिगिनिंग, एंडिंग बिगिनिंग, सारे समानार्थी इसके एंड होंगे। एनी, फ्रेंड, एंजॉय, हेट, एंटर, लीव, एंट्रेंस, एग्जिट। एंट्रेंस मतलब आना और एग्जिट मतलब जाना। इक्वल बराबर, डिफरेंट मतलब अंतर। इवन, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। एक्साइटेड, गॉन, एक्साइटेड, बोरिंग, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एग्जिट, इन एंट्रेंस, फेलियर, सक्सेस। फेलियर मतलब फेल होना, सक्सेस मैंने सफलता। फॉल्स यानी गलत, ट्रू मैंने सही। फॉर, नियर, दूर का पास, क्यू मिनी, कम जल्द। फाइनल, फर्स्ट, फाइन, लूज, फिनिश, बिगिन, स्टार्ट और फाइनल। इसी प्रकार लाइट, डेथ, लाइट का डार्क होगा, लाइट का मीन, लिक्विड यानी सॉलिड होगा, लिटिल बिग, लिटिल मतलब छोटा बिग यानी बड़ा, लिटिल मच, लाइफ डाई, जीवन मरण, लॉन्ग शॉर्ट होगा, लंबा छोटा, लूज विन, हारना जीतना, लाउड क्वाइट, लाउड मतलब शोर मचाना, क्वाइट मतलब शांत रहना, लव और हेट, ठीक, प्यार और नफरत, लवली टैबल, लो हाई, लोअर रेस, मेजर माइनर, मेल फीमेल, मिस कैच करना, मून सन, मोर और लेस। स्टूडेंट ये आपके अपोजिट वर्ड्स जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी लिखे गए हैं, इसके अपोजिट में लिखे गए हैं, इसका रीड करेंगे। इसी प्रकार दोस्त 210 अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है, लिखना है, रीड करना है और सही स्पेलिंग लिखनी है। अब आप देखते हैं कि जो तैयारी करते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो नियम है उसके शॉर्टकट्स हम देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा के साथ साथ लगभग अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग है। उम्मीदवार, कई उम्मीदवार इंग्लिश लैंग्वेज अनुभाग की संरचना जटिलता से काफी भयभीत रहते हैं। इंग्लिश में कम स्कोर आपके कुल अंकों को क्या करता है, कम करता है, इसलिए आपको इंग्लिश की अच्छी से
चलिए नियम नंबर एक, आर्टिकल्स के लिए कुछ कॉमन शॉर्टकट्स इस प्रकार हैं। जब कभी भी खाने से संबंधित नाम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन कॉमन वर्ड्स हैं, तो डिनर, सुपर आदि किसी वाक्य में आते हैं, तो सामान्य रूप से आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आई हैव द ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ये जो है ये गलत लिखा गया है, बट इसका सही जो है सही ग्रामर है आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो द क्या है आर्टिकल में आता है, ठीक है आपको बता दूं मैं, आर्टिकल में तीन जो है आर्टिकल होते हैं, देखिए आता है उसमें फर्स्ट ए एन एंड पीएचई द, ठीक। तो इसमें जो द आया है क्या है गलत, तो क्या है इसमें से साइलेंट रहेगा। अब एक और एक्ट करना चाहिए जब भी कोई मोनो ट्रांसिटिव प्रयोग नहीं किया गया, वी अपॉइंटेड हिम अ चेयरमैन, ये गलत है, इसमें क्या और चेयरमैन मिलता है, तो आ क्या है ये आर्टिकल, ठीक। तो आपके स्थान पर क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही वी अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, ओके। सो आपको ये आर्टिकल का भी याद रखना है और इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स ये होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको एक ये जो फाइव वर्ड्स बनाने हैं, एन के भी फाइव एंड द के भी फाइव, बट इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूं। ए से होता है एन, एन ऑरेंज, एन ओ आर एन जी, ठीक। द द कार इस टाइप से, ठीक। ए से इसे है एप्पल, ठीक। एरोप्लेन इस टाइप के ए से संबंधित जो है वो आर्टिकल कहलाते हैं, और एन से जो है एन इसमें ए ई आई ओ यू का यूज होता है, इसमें एन के लिए आपको बताना चाहूंगी जब एन लगाते हैं फर्स्ट वर्ड होना चाहिए ए ए ई आई ओ और ई, इससे संबंधित शब्द शुरू होना चाहिए, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, ठीक, एन एरोप्लेन, एन एनर्जी, ओके। तो ये हो गए आर्टिकल्स, आपको अच्छे से तैयारी करें।